26 नवंबर को अजमेर जिले के निकाय चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी रहा। पुष्कर में भाजपा के कमल पाठक लगातार दूसरी बार नगर पालिका के अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इसी प्रकार ब्यावर में भाजपा के नरेश कनौजियान नगर परिषद के सभापति बने, जबकि नजीराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष का फैसला लॉटरी से हुआ, जिसमें कांग्रेस के शारदा मित्तलवाल को सफलता मिली। इसी तरह अजमेर जिले की ब्यावर नगर परिषद में भाजपा के नरेश कनौजिया सभापति बने। 60 पार्षदों में से कनौजिया को 40 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोविंद पंडित को 20 मत प्राप्त हुए। पार्षद चुनाव में ब्यावर में भाजपा को 29 वार्डों में जीत हासिल हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद 10 निर्दलीय पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षद गोविंद पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सभापति के चुनाव में पंडित मात्र 20 मत ही हासिल कर पाए। जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव में 29 सीटों पर भाजपा को जिताया था, उसके बाद अन्य जो प्रत्याशी जो जीते थे निर्दलीय, उनका 10 प्रत्याशियों का भी समर्थन भाजपा के लिए दिया गया वोट को बनाने के लिए। आप जनमत को स्वीकार करके जिस तरीके से जनता के वोट मिले, आज 40 वोट मुझे मिले हैं, तो उसकी जन भावनाओं को देखते हुए, पार्षदों की भावनाओं को देखते और हमारे भाजपा के वोट में जनता को विश्वास रहे, उसी अनुसार आगे की दिशा में काम किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमको लोगों ने बहुत अपेक्षा कर रखी है, तो हम सबका सहयोग लेके हमारे पार्टी के MLA हैं, MP हैं, हमारा संगठन है, साथ ही सरकार कांग्रेस की है, सरकार का भी सहयोग लेके हम सबके सहयोग से इस बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोगों की भावना है, उनके काम, जो शहर भर में जो हमारे विकास कार्य हैं, जिनको हमारे करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास करेंगे और अच्छा माहौल बना के काम करेंगे, ताकि जो बार बार छवि बिगड़ती है नगर परिषद की वो ना बिगड़े, कोशिश ये की जाएगी और आखिर तक प्रयास करने की कोशिश करूंगा। प्राथमिकता है जो हमारे जो 29 वार्डों में जो सीवरेज का काम चल रहा है वो क्यों रुका हुआ है, क्यों धीरे हो रहा है, क्यों? क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी 6 महीने बाद, जहाँ जहाँ खड्डे हो रखे हैं सारे शहर के अंदर हालत ख़राब है। मेरी प्रयास उसी के लिए रहेगा, ब्यावर के बेहतरीन दिनों के लिए हमारे विधायक साहब और MP साहब लगे हुए हैं। आप लोगों के सहयोग से, आपके बजट से और नगर परिषद के सहयोग से, सरकार के सहयोग से ब्यावर के जितना बेहतर होगा मैं दे सकता हूँ। नसीराबाद नगर पालिका में कांग्रेस की शारदा मित्तलवाल लॉटरी के जरिए अध्यक्ष बनी। यहां भाजपा के उम्मीदवार अनिता मित्तल और कांग्रेस के उम्मीदवार शारदा मित्तलवाल को 10-10 वोट मिले। ऐसे में लॉटरी के जरिए परिणाम घोषित किया गया। वार्ड चुनाव में भाजपा के 10 पार्षद जीते थे, जबकि कांग्रेस के 8, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षद शारदा मित्तलवाल को अपना उम्मीदवार बनाकर भाजपा को मात दे दी। भारत माता की। पुष्कर नगर पालिका में एक बार फिर कमल खिला है। भाजपा के कमल किशोर पाराशर ने कांग्रेस समर्थित रवि पाराशर उर्फ रवि बाबा को एक मत से हराकर लगातार दूसरी बार पालिका अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली। भाजपा के कमल पाठक को 13 वोट्स मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रतिद्वंदी रवि बाबा को 12 वोट मिले। पुष्कर पालिका के विजयी 25 पार्षदों ने मतदान किया। आपको बता दें कि 25 वार्डों में 14 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय पार्षद जीते थे। इनमें से भाजपा से जीत दर्ज करने के बाद रवि बाबा ने पार्टी के खिलाफ जाकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा और कांग्रेस के समर्थन से जीत के करीब पहुंचे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद रिटर्निंग अधिकारी देविका तोमर ने विजयी कमल पाठक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर पालिका चुनाव के मतदान घोषित मतदान के बाद हमने मतगणना करी, जिसमें 13 वोट मिले हैं कैंडिडेट नंबर 1 कमल किशोर भारतीय जनता पार्टी, और 12 वोट मिले हैं रविकांत निर्दलीय जो खड़े हुए हैं। एज पर म्यूनिसिपल इलेक्शन लॉ 1994 राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, हम जो सबसे ज्यादा मतगणना जिनके पास वोट होते हैं उन्हीं को घोषित करते हैं। तो पार्टी कैंडिडेट नंबर 1 को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। मैडम, एक मत में जो है 10 का नोट मिला था, वो क्या मामला था और आपके द्वारा उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई गई? उसमें हमने पूरी पारदर्शिता रख के करी है, किसी मत में नहीं मिलकर वो बैलेट में मिला है, तो उसकी पहचान किसी प्रकार से नहीं हो पाई है। मतदान की पूर्ण गोपनीयता सही थी, तो उस वोट को हमने वैलिड ही माना। जैसे ही परिणाम निकलकर बाहर आया तो भाजपा समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
जीत के बाद जब पालिका अध्यक्ष कमल पाठक समर्थकों के बीच पहुंचे तो उन्होंने अपने चहेते नेता को कंधों पर उठा लिया और जीत का जश्न मनाया। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने अपनी जीत को पुष्करवासियों की जीत बताया। क्या कहना चाहेंगे जीत के लेकर आप? ये सब कुछ कर जनता ये एक बार पाठक सरकार, जनता ने पाठक सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। जो पाठक सरकार ने 5 वर्ष में कार्य किया है उस पर आज ये मोहर लगी है और आज जनता ने जो आशीर्वाद पाठक साहब को दिया है, हम वादा करते हैं पुनः 5 वर्ष जनता की सेवा पूरे दिल से करेंगे, बिना किसी भेदभाव बिना किसी राजनीतिक दबाव के हम कार्य करेंगे। कितने वोट मिले? क्या 13 और 12। श्री कमल पाठक जी को 13 वोट और 12 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल निश्चित रूप से हम पूर्ण विश्वास था जनता पे, जनता के हमने कार्य किए हैं, जनता के विश्वास पे हमने पता था कि पाठक सरकार से बनेगी। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पालिका कार्यालय में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। सबसे पहले कांग्रेस समर्थित रवि बाबा 9 कांग्रेस पार्षदों के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे, जहां रवि बाबा को छोड़कर 9 पार्षदों ने मतदान किया। इसके बाद निर्दलीय पार्षद जयनारायण दगदी ने अकेले मतदान किया, साथ ही भाजपा की एक पार्षद उमा देवी ने भी अकेले आकर मतदान किया। इसके कुछ देर बाद भाजपा के 13 पार्षद एक साथ मतदान करने पहुंचे, जहां सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। सबसे लास्ट में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रवि बाबा ने अपना वोट दिया और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू की गई और कुछ ही देर में परिणाम निकलकर सामने आ गया। वोटों की गिनती के दौरान मतपेटी में 1 वोट के साथ 10 रुपए का नोट भी मिला, जिसको लेकर चुनाव अधिकारियों ने पूरी सतर्कता बरतते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और बाद में मत को वैलिड माना। मतपेटी में मतपत्र के साथ 10 रुपए का नोट निकलना भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। परिणाम के बाद भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया और भाजपा पार्षदों को हर तरह से परेशान किया। उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि भाजपा के किसी पार्षद की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है तो उसका पता लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड बना उसका श्रेय सबसे पहले तो मैं पुष्कर की जनता को देता हूँ, फिर हमारे कार्यकर्ताओं को देता हूँ और सबसे बड़ा हमारे पार्षदों को देता हूँ कि उन्होंने सत्ता पक्ष के द्वारा जितना डराना था धमकाना था जो हथकंडे अपनाए थे वो सारे अपनाए। राजनीति की जितनी गिरावट मैंने यहाँ देखी मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी, इसके बावजूद भी हमारे पार्षद एकजुट रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप एक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग? बिल्कुल, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। सरकारी जो कर्मचारी है वो कांग्रेस के एजेंट बनके इन्होंने काम किया, सरकारी कर्मचारियों ने हमारे पार्षदों को धमकाया, हमारे पास उनकी सारी डिटेल है, हमारी उनकी कॉल डिटेल है, हम उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग को लिखेंगे, हमने पहले भी लिखा है और वक्त आने पर हम उनका भी इलाज करेंगे। पार्टी के अंदरूनी खींचतान से जो क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा उसके लिए क्या? पार्टी बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से हो सकता है किसी की नाराजगी हो, लेकिन जिसने भी क्रॉस वोटिंग करी हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम जांच करेंगे, उसको पार्टी से बाहर निकालेंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, उपाध्यक्ष पद के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम सब लोग आपस में बैठ के तय करेंगे और जो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का नाम आएगा हम उसको निर्वाचित करेंगे। मतदान और मतगणना के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। स्वामी न्यूज के लिए पुष्कर से रमेश कुमावत की रिपोर्ट। भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि जिले के निकाय चुनाव में भाजपा के आम कार्यकर्ता की जीत हुई है, सभी स्थानों पर भाजपा के पार्षद एकजुट रहे। नसीराबाद में लॉटरी की वजह से कांग्रेस को सफलता मिल गई। उन्होंने कहा कि अब ब्यावर और पुष्कर निकायों में जनहित में कार्य किए जाएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।